रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर यातायात पुलिस ने महिलाओं को उपहार स्वरूप हेलमेट देकर उनको सुरक्षित यात्रा का अनुरोध किया है। सोमवार को यातायात कार्यालय पर एसपी ट्रैफिक ने 96 महिलाओं को जो बाइक चलाती हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था उन्हें हेलमेट गिफ्ट में दिया गया। हेलमेट पाकर महिला वाहन चालकों में खुशी की लहर दौड़ गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला चालकों ने ट्रैफिक पुलिस को धन्यवाद दिया। तो वहीं गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया। लगा के चलिए दोबारा सबका नंबर ये लगेगा। हाँ, हेलमेट बहुत अच्छा मिला हम लोग को। यूपी पुलिस हम लोग को यातायात कार्यालय से दी है और ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा, खुशी मिली कि रक्षाबंधन के अवसर पे हम लोग को ये मिला। ये रक्षाबंधन के अवसर पे मिला है और यातायात के लिए हम लोग को स्कूटी के लिए हेलमेट के लिए मिला है और अच्छा मिला है हम लोग को। हेलमेट बहुत अच्छा मिला तक, ये हेलमेट सड़क पे वाहन चलाते वक्त हम लोग की सेफ्टी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है और ये रक्षाबंधन के अवसर पे हम लोग की सुरक्षा के लिए मिला हुआ यातायात पुलिस द्वारा। जी नहीं, अच्छा लगा हमें ये देख कर कि ट्रैफिक के पुलिस वालों ने इतना हम लोग का केयर किया, तो थैंक यू सो मच। एंड हम लोग भी कोशिश करेंगे कि सबको सपोर्ट करें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। पेप टीवीएस पेप आपको किस लिए मिला है? सुरक्षा के लिए। किस अवसर पर आई? किसके द्वारा दिया गया? क्या पैसा भी दिया गया? पैसा नहीं लिया गया। किसके द्वारा मिला है? यातायात पुलिस के द्वारा। जी, हम लोग निरंतर लोगों की यातायात के विषय में जागरूक करने के लिए, उनको दुर्घटनाओं से बचाव के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास भी हमारा उसी सिस्टम के अंतर्गत है जिसमें जो है हम लोग जो कर रहे हैं। जी, कितने हेलमेट आ चुके हैं? लगभग 19-20 हेलमेट्स हम लोग जो है दे चुके हैं और 96 हेलमेट्स का टारगेट है हमारा। 96 के बाद जो उपलब्ध होता जाएगा हम लोग देते जाएंगे। यस बिल्कुल, उसका भी हम लोगों ने इंतजाम कर लिया है और कुछ दिन में हम लोग पुरुषों के लिए भी हेलमेट वितरण कार्यक्रम रखेंगे।